और अब बात गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की। चुनावी गहमा गहमी के बीच रूपाणी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इटालियन चश्मा उतार कर देखे राहुल, गुजरात में विकास दिख जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात की जंग और इस रणभूमि में अगर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की साख दांव पर है, तो वो तीसरा व्यक्ति जिसके कंधे पर ये बोझ है कि उसे विजय दिलाकर मुहर लगानी है उस जोड़ी पर, वो शख्स आज हमारे साथ आज तक पर है। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, स्वागत है सर आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, कितनी सीटें? 150+। नहीं, वो तो कहते हैं कांग्रेस वाले की भी 150 उनको आ जाएगा। भाई कांग्रेस तो 2002 में भी बोलते थे, 2007 में भी कहते थे, 12 में कहते थे सरकार बनेगी, 14 में कहते थे हमारी सरकार बनेगी, 26 में से 0 सीट आई है, तो वो तो बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ थे, वो मुख्यमंत्री थे और 127 सीट बीजेपी को मिली थी, तो अब वो प्रधानमंत्री है तो लोग, गुजरात के लोग 150 से ज्यादा सीट देंगे। मतलब आप पूरा का पूरा प्रधानमंत्री पर निर्भर हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर है। प्रधानमंत्री की साख, प्रधानमंत्री की जो इमेज, प्रधानमंत्री ने जो इस तरीके से प्रामाणिकता ईमानदारी से काम किया है, लोग, गुजरात के लोग आज भी उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास करेगी, इस साख के आधार पर हमें गौरव है कि ऐसे नेता हमारे पास है। इस जवाब में सर आपने प्रधानमंत्री शब्द कम से कम मैं गिन रही थी 7-8 बार बोला। मेरा सवाल आपसे यह है कि विजय रूपाणी जी काफी नहीं है क्या? क्यों आपको प्रधानमंत्री को बुलाना? कार्पेट बॉम्बिंग हो रही है, मिनिस्टर क्यों ना करे? हमारी नेशनल पार्टी है और नेशनल हीरो प्रधानमंत्री है, तो हमारे पास ऐसे लीडर है तो वो भी आते हैं, करते हैं और उनको आगे रखते हैं। कांग्रेस वाले अपने पोस्टर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पोस्टर नहीं छपाते क्या? फोटो नहीं लगाएंगे? इंदिरा गांधी के नाम पर 20 साल तक वोट लिया, तो ये नेतृत्व और नेता जिनके पास होते हैं वो स्वाभाविक है कि उनको फोटो आगे रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमें गौरव है, देश को नाज है, और ऐसे नेता हमारे पास है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न नियत भी अच्छी है। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ढाबे ढाबे पर जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बिस्किट चाय में डुबो कर रहे हैं। आपको लगता है लोगों का ये मानना है कि एक हवा बनाने में वो कामयाब हो रहे हैं? अरे इसका मतलब ये है कि आज तक राहुल गांधी न कभी ढाबे पर गए हैं, न कभी कहीं चाय पी है। एक वंश परंपरागत लीडरशिप जो कांग्रेस ने पैदा की है, विदेश में पाला है, विदेशी संस्कृति का जिन पर पूरा प्रभाव है, तो वो मिटाने के लिए धाबे धाबे मंदिर मंदिर वो घूम रहे हैं, ऐसे लोग नहीं मानेंगे। गुजरात की जनता ये व्यापारी जनता है, सबको तोल माप तोल तोल कर जोक जोक कर सबका हिसाब करती है। और राहुल गांधी की ये इमेज, ये सब जानते हैं कि चुनाव के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी का मंदिर वाला आपने कहा, तो वो जो बीजेपी का हिंदुत्व है उसको चुनौती देने के लिए वो भी नरम हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो हिंदुओं को वो अब टारगेट कर रहे हैं वो उनके साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे खुशी है कि मंदिर में जा रहा है। आज तक हिंदुत्व, मंदिर, ये सब हमारे खाते में पड़े थे और आप लोग भी हमें बहुत बदनाम कर रहे थे, सेक्युलर की बात कर रहे थे, अब वो भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछता हूं कि मोदी जी अक्षरधाम आए, महंत स्वामी ने उनका हाथ पकड़ा और उसके पीछे दौड़कर अक्षरधाम आए, वहां दिल्ली में उनके फार्म हाउस से 5 किलोमीटर दूर अक्षरधाम है, भारत का सबसे बड़ा अक्षरधाम है। आज तक कभी भी दिल्ली में गए? वो जेएनयू में नाराबाजी चल रही थी कि भारत तेरा टुकड़ा होगा, भारत माता मुर्दाबाद, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस वक्त राहुल गांधी गए थे, उनको समर्थन देने के लिए गए थे। ये सब गुजरात की जनता जानती है। फिल्म, चूंकि भारत माता की बात हुई सर, अभी आपने भारत माता का जिक्र किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद्मावती को भारत माता कहते हैं, आप लोगों ने पिक्चर देखी नहीं? संजय लीला भंसाली कह रहे हैं कि राजपूतों को गर्व होगा और आपने बैन लगा दिया पिक्चर पर। मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से
पूरे राज्य में आक्रोश पैदा हुआ है। और मैं मानता हूँ ये सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं है, ये पूरे देशभक्त सभी लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँचा है, क्योंकि पद्मावती मुगले के सामने उस वक्त राजपूत लड़ रहे थे, पद्मावती के साथ हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया और ये लड़ाई देशभक्ति की लड़ाई थी और उसमें पद्मावती हीरो एक हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति बनी थी। तो ये पद्मावती के लिए कोई कंट्रोवर्सी हो और आम समाज में भावनाओं को ठेस पहुंचे तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं हो रही थी। अब अगले मुद्दे पर आते हैं और वो सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम के, वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर अल्टीमेटली बीजेपी हर जगह चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन कमीशन को यूपी सरकार ने लिखा है और कहा है कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर वोट करने के लिए आती हैं उनके लिए विमेन कांस्टेबल आप लगाइए ताकि जांच हो। आपको लगता है ये सही है? उसमें गलत क्या है? क्योंकि वोटिंग देने वाला कोई बोगस नहीं कर रहा है तो वो उसने बताया वुमन कांस्टेबल रखना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? आप चाहेंगे कि ऐसा ही गुजरात में भी हो? नहीं, हम यहाँ की बात नहीं, हम आपका जवाब दे रहे हैं कि आपने पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि गलत कहा है, तो गलत क्या है उसमें? नहीं, अगर सही है तब तो सर आपको गुजरात में भी फिर सोच, वो उनकी बात कर रहे हैं, आप यहाँ की बात नहीं है, आप वहाँ की बात है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सही होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।